Welcome to Science Pedagogics, Science Made Easier. Our today's topic of interest is, why do we shiver in winters and why do we sweat in summers? So, we shiver in winters. Shiver का मतलब होता है कांपना. तो जब बाहर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ऑफ कोर्स हमें जो है कपकपी छूटती है. That means we shiver. कपकपी छूटना means shivering होना. Then बाहर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लाइक इन द मंथ ऑफ मे एंड जून इन इंडिया बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर एंड वी टेंड टू स्वेट हमें पसीना आता है सो वी स्वेट इन समर्स सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज दैट व्हाई डू वी शिवर इन विंटर्स ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में कि हमें विंटर्स में कपकपी छूटती है एंड व्हाई डू वी स्वेट इन समर्स कि ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में कि हमें समर्स में इतने ज़्यादा पसीने आते हैं और हाउ डज एनवायरमेंटल वेरिएशन अफेक्ट्स कि हम शिवर कर रहे हैं या फिर हम स्वेट करेंगे सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज कंसेप्ट्स एंड बेसिकली दीज कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन अ टर्म होम्योस्टेसिस विच वी विल बी डिस्कसिंग सो Shivering and sweating a basic human phenomena hai and instead ye humans mein hi present hota hai. We have never seen ki dogs ko sweating ho rahi hai ya cows ko sweating ho rahi hai ya dogs shiver kar rahe hai ya cows shiver kar rahe hai. So this is basically a human phenomena only which is seen in humans only during winters and summers. To understand this concept of sweating and shivering, we'll be discussing a term homeostasis or concept of homeostasis. So, हमारी body को कोई भी function करने के लिए optimally perform करने के लिए चाहिए होता है homeostasis. मतलब हमारा body temperature जो अंदर का होता है वो एक particular temperature पे ही रहना चाहिए हमेशा तभी हमारी body जो है optimal function कर सकती है. एंड ऐसी और भी कई चीज़ें होती है जो कि ऑप्टिमल ही रहनी चाहिए स्टेबल ही रहनी चाहिए एंड द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन एनी कंडीशंस कि बाहर का कोई भी कंडीशन हो बट हमारी बॉडी के अंदर का कंडीशन सेम रहे दैट इज़ होम्योस्टेसिस सो विंटर्स में जब बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है ऑफकोर्स ही बात है मोस्ट ऑफ द हीट लूज़ कर देती है जिसके कारण उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है बट हमारी बॉडी दोबारा से हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शिवर करती है एंड ये शिवरिंग जो है या ये कांपना जो है हीट प्रोड्यूस करता है जिसके कारण हमें गर्मी लगती है और हमारा अंदर का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और दोबारा से मेंटेन या रेगुलेट हो जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट सिमिलरली गर्मियों में जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी राइज करने लगता है अब हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम करने के लिए क्या करती है स्वेटिंग जब हम स्वेट करते हैं तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है एंड पसीना इज़ अ फॉर्म ऑफ वाटर ओनली तो वाटर जब हमारी स्किन से ऊज आउट होता है तो ये हमारी स्किन का सरफेस टेम्परेचर कम कर देता है सो स्वेटिंग इज़ मोस्टली वाटर एंड दिस वाटर डिक्रीजेज आवर बॉडी टेम्परेचर एंड दस अगेन मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन अ फिनोमेना कॉल्ड इवेपोरेशन हेंस स्वेटिंग एंड शिवरिंग आर अ यूजफुल फिनोमेना जिसके कारण हमारी बॉडी जो है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है और अपनी दी बेस्ट पे परफॉर्म करती है एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द यूजुअल बॉडी फंक्शनिंग सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाउंड द वीडियो नॉलेजेबल